रिस्पेक्टेड ऑडियंस, आज हम लिटरेसी मोबिलाइजर BS 14 इन लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट की पोस्ट पे वीडियो बनाएंगे कि इसमें कौन से लोग एलिजिबल थे, किन लोगों ने अप्लाई किया है और टेस्ट कब होगा, इस पे हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहली बात ये कि लिटरेसी मोबिलाइजर के लिए BA और BSc रिक्वायर्ड थी। किसी भी सब्जेक्ट में ओनली मेंशन नहीं हुआ क्योंकि BS 14 था और ग्रेजुएशन लेवल तक के लोग अप्लाई कर सकते थे, इसलिए उन्होंने BA और BSc मेंशन किया। ठीक हो गया। अब BSc ऑनर ने अगर अप्लाई किया है तो वो एलिजिबल हैं और टेस्ट की तैयारी करें। सेकंड बात ये कि लिटरेसी मोबिलाइजर का टेस्ट कब होगा। लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में लिटरेसी मोबिलाइजर का रिटन एग्ज़ाम अभी तक टेस्ट की डेट अनाउंस नहीं हुई। ईद से पहले किसी सूरत अनाउंस नहीं होगी, टेस्ट इंशाल्लाह ईद के बाद होगा। आप लोगों के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, नंबर ऑफ पोस्ट इंक्रीज हो चुकी हैं, 394 हो गई हैं और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स उतने ही हैं। एक अच्छा मौका है, अच्छे तरीके से तैयारी करें और ख़ासकर मेल, उनके लिए जॉब बहुत बेस्ट है। लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में फील्ड वर्क की जॉब है और इंशाल्लाह इस जॉब को करते हुए साथ साथ आप इंजॉय भी करेंगे। अब लिटरेसी मोबिलाइजर के बारे में जैसे ही कोई अपडेट हमें मिलती है, ऑथेंटिक और या प्लानर अपडेट होता है, तो आपको इंशाल्लाह टेस्ट की डेट के बारे में बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।